महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से जुड़ने के लिए प्रत्येक विधानसभा में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पद यात्रा का आयोजन किया गया है। महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि पद यात्रा के माध्यम से जनता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी बताकर जनता की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण की व्यवस्था किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राहुल श्रीवास्तव ने बताया, महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम 1 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2018 तक पद यात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही साथ इस अवसर पर अपने केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं 4.5 वर्षों की और अपने उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं हमारे 1.5 वर्षों की, इन उपलब्धियों को भी ले जाकर के नीचे जनता के बीच में जाकर के और जनता की समस्याओं को भी हम सुनेंगे और त्वरित निस्तारण कराने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ उनसे ये आग्रह करेंगे कि ये जितनी योजनाएं हमारी हैं, मैं इस बात को रिकॉर्ड के अनुसार और दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 वर्षों में सरदार यादव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो विकास की एक रथ चली थी और उसके बाद से ये अपने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश को और देश को जो चतुर्मुखी विकास के द्वारा लेकर के और भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए लगातार सतत प्रयत्नशील हैं, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत अब उन ऊंचाइयों को छूने वाला है और जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि भारत परम वैभव पर पहुंचेगा, हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे जनता के बीच में जा करके और उपलब्धियों को बता करके हम इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि उपलब्धियों का भी आप जिक्र करें और साथ ही साथ इन योजनाओं का लाभ उठाएं और आने वाले संकट जो चुनाव है 2019 में पुनः एक बार सत्ता सरदार नरेंद्र मोदी जी को मिले और ऐसी कल्पना करके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 150 कार्यकर्ता रोज 10 किलोमीटर चल करके इन योजना को सफल बना रहे हैं। 150 कार्यकर्ता 150 किलोमीटर चल करके और 10 किलोमीटर डेली का नित्य का कार्यक्रम तय हो रहा है और इस प्रकार गांव में पूरे प्रदेश में ये योजना चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, गांव में भी चल रहा है और अपने वार्ड में महानगर की बात करूं तो अपने शहर और ग्रामीण विधानसभा में जो वार्डों में कार्यक्रम चल रहा है प्रातःकाल और सायंकाल दोनों जगह हम लोग लीफलेट ले जा करके और जनता के बीच में जाकर संपर्क करके और उन्हें मोदी जी की और योगी जी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं।